नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र भाटी और आप देख रहे हैं खबरदार। करते हैं छोटी बड़ी अपराध की खबर की पड़ताल ताकि आप रहें होशियार। तो आइए सबसे पहले देखते हैं निशान गुनाह के। मुंबई की सड़क पर घूम रहा है साइको मोलेस्टर, छेड़खानी करके आई वीडियो सोशल साइट पर डाली, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, पति ही निकला हत्यारा, कर्ज मिटाने और इश्क निभाने के लिए किया था कत्ल। साइबर सिटी गुरुग्राम में युवती से गैंगरेप, प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर की वारदात, प्रेमी संग लिविन में रहती थी युवती। और यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पकड़े गए दो बदमाश, लूट के मामले में पुलिस को थी तलाश। मायानगरी मुंबई में एक ऐसा साइको मंचला घूम रहा है जो महिलाओं को बड़ी ही चालाकी से छेड़ता और उनकी फोटो खींचकर सोशल साइट पर डाल देता था। ऐसी ही 60 से ज्यादा फोटो उसने फेसबुक पर अपलोड की। उसकी मंशा इन फोटो का तादाद 100 तक पहुंचाने की थी, लेकिन पुलिस ने वो अकाउंट बंद कर दिया है जिस पर उसने फोटो शेयर की थी। तो वही मनोचिकित्सक इसे सेक्सुअल परवर्जन का शिकार बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। पहले महिलाओं को छेड़ता है, फिर वीडियो बनाता है, फिर सोशल साइट्स पर डालता है। मुंबई की सड़कों पर घूम रहा एक साइको मनचला, सनकी की तलाश मुंबई पुलिस को। देखा आपने किस तरह वो महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचता है, पहले भीड़भाड़ का फायदा उठाकर वो उन्हें छेड़ता है, फिर इसी भीड़ में महिलाओं की पीठ पर और अन्य अंगों पर हाथ डाल वो फोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है और उसके बाद वो सनकी इन तस्वीरों को, वीडियो को सोशल साइट्स पर डाल देता है। जिसने भी सनकी की कारस्तानी को सुना वो सहम गया है। मनोविज्ञानियों का मानना है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, बेसिकली वो आदमी औरतों को टच कर रहा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मानसिक स्थिति से देखें तो ये इंसान एक पेशेंट है। इसे हम सेक्सुअल परवर्जन कहते हैं साइकेट्री की टर्म में। तो ये एक बीमारी रहती है जिसमें इंसान को किसी भी चीज को टच करके या किसी भी नॉन सेक्सुअल बिहेवियर से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। सो हमारे में ये एक इलनेस कंसिडर होता है। जिस तरीके से उसने फोटोज अपलोड किए हैं बहुत सारी औरतों के जी, और उन औरतों को पता भी नहीं है कि उनके साथ फोटोज खींचा गया है और उनके साथ ये हुआ गया है, तो आपका क्या कहना है? जो ये सेक्सुअल परवर्ट्स रहते हैं, जो ऐसे इस तरह के इंसान रहते हैं, जो मानसिक स्थिति से पीड़ित रहते हैं, ये चीजें बहुत ओपनली नहीं करते हैं, ये चीजें बहुत शांति से करते हैं और ये बहुत लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको भी मालूम है अगर ये लाइमलाइट में आएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीजें बहुत छुप के की जाती हैं, किसी के नजर में नहीं आए वैसे की जाती हैं, और उनको भी मालूम है कि अगर वो सामने से आके करेंगे तो शायद वो इस वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। प्रियंका महाजन एक मनोचिकित्सक हैं। उनका कहना है कि ये जो सीरियल मॉलेस्टर मुंबई की सड़कों पर चुपके से महिलाओं की इज्जत तार तार कर रहा है, वो सेक्सुअल परवर्जन से ग्रसित है, जो एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रसित लोग गिरी हुई हरकतें कर उन्मादी आनंद हासिल करते हैं। साइको सेक्सुअल डिसऑर्डर से ग्रसित लोगों के मन में हर वक्त सेक्स की भावनाएं और विचार आते रहते हैं,
और बार बार ऐसे कृत्य के लिए उन्हें बेचैन करते हैं। इन्हें पोर्नोग्राफी देखने की लत होती है। वो लोगों के दिमाग में ऐसे रहता है कि अगर हम टच कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटीज रहती हैं उनके दिमाग में। बहुत ज्यादा ओपन एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स है। सो ऑल दीज आर दी कॉजेज वी नीड टू एड्रेस कि क्या कारण से ये चीज हो रही है और वो चीज को हमें सॉल्व करना है। और इसके साथ में बहुत सारी तरह की थेरेपीज की जाती हैं, साइकोथेरेपीज हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज हैं जो दी जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। दरअसल जिस सन की सीरियल बॉलेस्टर की हम बात कर रहे हैं वो 60 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें इसने 63 वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड किए हैं। ये शख्स अपने पोस्ट को वायरल करने के लिए #100 backless blouse challenge भी लिखता है, यानी 100 महिलाओं के साथ गंदी हरकत करना उसका टारगेट है। इसके ज्यादा से ज्यादा पोस्ट किए जाने के बाद जहां एक धड़ा इसके पोस्ट पर लाइक करता है और कमेंट करता है तो दूसरी तरफ अधिकतर लोग इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। केरल के रहने वाले कॉमेडियन विनय मेनन की नजर जब इस साइको मॉलेस्टर की हरकतों पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। Got reported. I shared it on my Facebook page. Lot of people reported it. This person's Instagram has been shut down. He is someone who is living in Bombay. There are more people like this. Do not, if you see such an account, if you see such people sharing things, please report them. The police should be pulled into this. And let's make India safer for our women. Vinay Menon ne un logon ko bhi aade haatho liya hai jo is sex mareej ki photo ko dekhte hain और उसके ग्रुप को लाइक किया है। एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट अ रीसेंट इंस्टाग्राम अकाउंट व्हिच बिकेम फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। सो आई सॉ दिस अकाउंट बीइंग शेयर्ड ऑन माय टाइमलाइन एंड ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ लवर ऑफ बैकलेस ब्लाउजेस। सो बट ओनली व्हेन आई रेड मोर दैट इट वाज बेसिकली वीडियोस ऑफ हिम पब्लिकली मोलेस्टिंग विमेन, अनअस्यूमिंग विमेन। And what's worse than this is that a lot of people have commented in favor of the perverted person. Like they enjoy it apparently. So you can easily dismiss this person saying that, oh, he has some psychological illness. Ye toh pagal hai. But that's not the case. He genuinely thought that he could go and touch women in public without their permission. And this is a larger problem in society. Right now we have a #MeToo campaign. पूरी घटना के मुंबई पुलिस के संज्ञान में आने के बाद अब वो इस पगले की तलाश कर रही है, लेकिन उसकी दलील ये भी है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में वो शिकायत पर ही कार्रवाई करती है। नहीं, कैसे ऐसा अगर फोटो कोई पोस्ट करता है तो हमारी सोशल मीडिया की टीम उसके ऊपर मॉनिटर करती है। अगर हमारे पास कोई पीड़िता आती है तो जरूर हम उसकी कंप्लेंट लेके उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस को शिकायत का इंतजार क्यों है? उसे स्वतः संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए समाज के इन दुश्मनों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसे में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ये अपील है कि आपको अगर इस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिले तो जरूर मुंबई पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ये शख्स आपके परिवार के सदस्यों दोस्तों को भी निशाना बना सकता है। खबरदार के लिए विनय दुबे के साथ मनीष मासूम की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में ही कारोबारी की पत्नी की सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझा लिया है। महिला गुरुद्वारे से अपने पति के साथ लौट रही थी। पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल पत्नी का कातिल कोई और नहीं, कारोबारी पति ही था। देखिए दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट।
दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में बुधवार तड़के मारुति रिट्ज कार सवार बिजनेसमैन फैमिली पर हमला करने वाले आखिर कौन थे? क्या हत्या करना ही मकसद था? क्या लाखों की कर्ज वसूली को लेकर हमला हुआ, या ये किसी की सोची समझी गहरी साजिश थी? ये वो सवाल हैं जो पिछले 24 घंटे से दिल्ली पुलिस को परेशान कर रहे थे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इन तमाम सवालों को सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने बुधवार सुबह हुई प्रिया नाम की महिला की हत्या का मामला सुलझा लिया है। खुलासा ये हुआ है, जो पहले बताया जा रहा था कि कोई गाड़ी आई और इनकी गाड़ी को रोका और कुछ उसमें से गाड़ी में से कोई व्यक्ति बाहर निकला जिसने जिसके हाथ में बंदूक थी और इनमें जो हाथापाई उससे जो गोली चली। तो इस वर्जन को जब हमने वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि कोई इस तरह की गाड़ी दिख नहीं रही है। जब हमने सीसीटीवी फुटेज से इसको चेक किया, फिर थोरो इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद जो हस्बैंड है उस व्यक्ति ने माना कि इस वारदात को अंजाम उसने ही दिया है। दरअसल बुधवार की सुबह पुलिस को कॉल मिली थी कि दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला को गोली मार दी है। महिला अपने परिवार के साथ नानक प्याऊ गुरुद्वारे से अपने घर की तरफ वापस लौट रही थी। बताया गया कि बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक कर हमला किया था। पुलिस को ये फोन कॉल किसी और ने नहीं बल्कि मृतक प्रिया के पति पंकज मेहरा ने ही की थी। मेरी वाइफ मेरे को लेने के लिए आई थी, वहाँ से हम दोनों गए गुरुद्वारे बंगला साहब। वहाँ से हम थोड़ा खाते पीते घर को तरफ को वापसी आ रहे थे, भाई यहीं पे यू टर्न के ऊपर एक गाड़ी आती है, उसने मेरे को आगे से ओवरटेक करा। HR व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी थी, उसमें से एक लड़का उतरता है, पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि अंदर से लॉक था। उसके बाद उसने गन थी उसके हाथ में, उसने बट मार के शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद उसने अंदर से लॉक खोलने की कोशिश की, बट मेरा लॉक खराब था, वो अंदर से खुला नहीं। उसके बाद उसने मेरे को इधर मारा, यहाँ लगा मेरे को थोड़ा सा, उसने मेरे को गाड़ी में से खींचने की कोशिश करी। और सिर्फ हरियाणवी था, जाट था, हरियाणवी में बोल रहा था कि निकल बाहर, अब तेरे को बताते हैं, बड़ा छुपरा था ना तू, अब दिखाते हैं तेरे को हम क्या चीज़ है। गाली वाली माँ बहन की गाली दे रहा था। तो उसने गन पॉइंट गन रखी हुई थी, गन आगे थी मेरे, तो मैंने उसकी ना गन पकड़ी तो छीना झपटी के अंदर उसने पहला फायर किया। मेरी वाइफ मेरे साथ थी और मेरा 2 साल का बेटा साथ में था जो उसकी गोदी में सो रहा था। एक फायर किया, दो फायर किया, तीसरा फायर उसका अड़ गया, तीसरी गोली उसकी चली, मैंने 2-3 बार ऐसे क्लिक करा पर वो नहीं चला। उसके बाद उसने वो जो मैंने ना उससे थोड़ा सा गन छीनने की कोशिश करी कि मैं छीन लूँ उससे वापस, तो थोड़ा सा उसका हाथ लूज हुआ, मेरे हाथ में आई भी, फिर मैंने अपनी वाइफ से हिला के देखा, तब तक उसकी आवाज़ आ रही थी। इतनी देर में उसने मेरे से गन वापस छीन ली। पीछे एक लड़का खड़ा था उसके साथ, मतलब गाड़ी के अंदर ही था, बाहर नहीं उतरा था। उन्हें बोला दूसरा सामान दे, जैसे उसका मैंने ये सुना, गाड़ी मेरी स्टार्ट थी, मैंने पहला गियर मारा, मैंने सीधा गाड़ी आगे मुगरबा चौक की तरफ को भगा दी। वारदात के बाद महिला को तुरंत रोहिणी के एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। वारदात के वक्त कार में प्रिया मेहरा अपने पति पंकज मेहरा और 2 साल के मासूम बच्चे के साथ थी। गोली महिला की गर्दन में लगी थी जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। प्रिया का पति पंकज मेहरा एक कारोबारी है। पंकज का दावा था कि उस पर कुछ लोगों का कर्ज था, कर्ज ना चुकाने के लिए ये हमला किया गया। पैसे का मामला तो ज्यादा गंदा, मैंने उसको मात्र 5 लाख रुपए देने थे पर उसने ब्याज अटनम शटम बना बनू तो 40 लाख रुपए का हिसाब किताब बना रखा। वो उनका सिस्टम ये होता है जी, आज पैसे दे दोगे तो 1 लाख रुपए, कल दोगे तो 1.5 लाख, परसों दोगे तो 2 लाख, उनके कोई जवाबदार नहीं। कौन लोग थे ये लोग, पहचान हो पाई? सर मेरे तीन से चार जने हैं जिनसे मेरा पैसों का लेन देन है। मेरे को पीछे लॉस हो गया था बहुत ज्यादा बिजनेस में, मेरा घर भी बिक गया, रेस्टोरेंट मेरा बंद पड़ा हुआ इस चक्कर में, मेरे 2 रेस्टोरेंट थे, दोनों के दोनों बंद पड़े हैं पैसे के चक्कर में, मेरे को बहुत लॉस हो गया था। और इनके ब्याजों के चक्कर में जितना कमाता था ये मेरे ब्याज ले जाते थे, अनाप शनाप ब्याज लेके जाते थे। अभी भी इसने एक लड़का, अभी आप लोगों आप क्या सके कौन था वो? 2 से 3 जने जो मेरे को रोज धमकी दे रहे थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस को भी पहली नजर में ये वारदात पैसे के लेन देन से जुड़ी नजर आ रही थी। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो मामला खुलने लगा।
हमले की पूरी कहानी झूठी निकली। दरअसल ये कहानी तो पंकज की खौफनाक साजिश का हिस्सा थी। कितने राउंड गोली मारी थी? कितने राउंड गोली मारी थी? दो। हस्बैंड ने मारा ये सर्टेन है? हाँ, ये अभी तक तफ्तीश में यही पता चला है कि उसने ये किया इसने। जी, कन्फेस किया। पुलिस को जांच में पता चला कि प्रिया मेहरा पंकज मेहरा की दूसरी पत्नी थी, उसकी पहली पत्नी भी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के दो कारण थे। पहला, पंकज के सर पर जो कर्ज था वो पत्नी की हत्या के बहाने उससे छुटकारा पाना चाहता था। दूसरा कारण ये कि पंकज अपनी पहली पत्नी के साथ फिर से रहना चाहता था। क्यों मारा इसने? देखिए, वजह जो अभी तक जो तफ्तीशी में जो चीजें सामने आई, वजह इसके पास जो फाइनेंशियल बर्डन था, और दूसरा इसकी दो शादियां ऑलरेडी हो चुकी है, और जो प्रेजेंट वाइफ है जो जिसकी डेथ हुई उनके साथ इसकी बन नहीं रही थी, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने इस चीज को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पंकज ने प्लानिंग के तहत पहले खुद प्रिया को गोली मारी, और उसने शोर मचाते हुए नाटक किया कि बदमाश आकर उसकी पत्नी को मार गए। लेकिन पुलिस को पंकज के हाव भाव और कहानी पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने शक के आधार पर पंकज के बयान और दावों की पुष्टि के लिए मौकाए वारदात की गहराई से तफ्तीश की। पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई। फुटेज से साफ हो गया कि जो कहानी पंकज ने सुनाई थी वो मनगढ़ंत थी। पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि प्रिया का कातिल कोई और नहीं, पंकज ही था। कड़ाई से पूछने पर पंकज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में है, अभी तक यही पता चला है, इसी ने किया है, ये बात इसने बताई है। इस चीज को, अगर इसके अलावा और कोई चीज है, उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बताएंगे। वेपन को रिकवर करने के लिए हमने टीम भेजी है, जब वेपन रिकवर हो जाएगा तो उसके बारे में पूछताछ पे पता चलेगा कि कहां से वेपन है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि पंकज मेहरा ने प्रिया की हत्या के लिए नया हथियार खरीदा था। पुलिस की कोशिश हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने की है। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने पंकज को हथियार मुहैया करवाया था। खबरदार के लिए दिल्ली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर शर्मसार हुआ है। गुरुग्राम में रहने वाली एक युवती ने पुलिस में रेप का मामला दर्ज करवाया है। 25 साल की पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके प्रेमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। युवती अपने प्रेमी के साथ गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसके साथ उसके लिव इन पार्टनर ने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। गैंगरेप से पहले युवती को नशीला पदार्थ पिलाया गया जिससे वो बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया, और होश आने पर युवती को चुप रहने के लिए बोला गया। पुलिस या किसी और से घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 23 अक्टूबर को वोमेन पुलिस स्टेशन में एक महिला पीड़िता ने एक कंप्लेंट दी कि वो यमुनानगर की रहने वाली है और उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, और उसकी जानकारी अंबाला निवासी नवीन से हुई थी, जिन्होंने उसको बताया कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, और उसको शादी करने के बाद वो एक साथ ही नौकरी करने के उद्देश्य से यहाँ पर दोनों गुड़गांव आ गए। गुड़गांव में दोनों नौकरी करने लगे। वो यहाँ पर दोनों, जैसा कि कंप्लेनेंट ने अपने कंप्लेन में बताया कि एज ए पति पत्नी यहाँ पर रहते थे, और उसके बाद वो एकदम अचानक उसको छोड़कर वापिस अम्बाला चला गया।
पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को गैंगरेप, जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली युवती ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि पिछले साल पीड़िता की जान पहचान हरियाणा के अंबाला के रहने वाले नवीन कुमार से हुई थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोनों अंबाला से गुरुग्राम आकर एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पूछने पर दोनों खुद को पति पत्नी बताते थे, लेकिन असलियत में शादी नहीं हुई थी। पीड़िता जब भी आरोपी से शादी करने के लिए कहती या दबाव डालती तो वो बात को टाल देता था। आरोपी युवक ने युवती से दूरी बनानी शुरू कर दी। ऐसा लगातार होने पर पीड़िता को नवीन पर शक होने लगा। युवती ने आरोपी के बारे में जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू की तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे पता चला कि आरोपी नवीन तो पहले से ही शादीशुदा था, यानी आरोपी ने झूठ बोलकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद वो फिर दोबारा 2 अक्टूबर को वापस यहाँ पर आ गया। उसने दोबारा से अपने के साथी मित्र के साथ महिला पीड़िता के घर पे रुका और उसकी महिला पीड़िता के साथ उसका यौन शोषण किया, और जैसे कंप्लेन ने बताया कि उसके साथी ने भी उसके साथ यौन शोषण किया है। और उसके बाद जो अक्यूज्ड है, जो उसका साथी था नवीन, वो उसके पैसे और गोल्ड दोनों महिला पीड़िता के लेकर चला गया, जिस पर पीड़िता महिला की कंप्लेंट पर थाना वोमल पुलिस स्टेशन में कानून की सुधाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि बीते 2 अक्टूबर को आरोपी एक बार फिर उनके फ्लैट पर आया, लेकिन इस बार उसका एक दोस्त भी उसके साथ था। आरोपी ने पीड़िता को भरोसे में लेकर धोखे से नशीला पदार्थ खिला दिया और इसके बाद दोनों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि आरोपी नवीन और उसके दोस्त ने उसके पास मौजूद कीमती सामानों को चुरा लिया। युवती सदमे में है। अपने साथ हुई हैवानियत के खिलाफ युवती ने पुलिस से गुहार की है। फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली गई है। जल्दी ही दोनों आरोप जो इसमें अक्यूज नवीन और उसका साथी है, दोनों को जल्दी से मामले में गिरफ्तार कर लिया। अक्यूज्ड ये उसने भी नर्सिंग का कोर्स करके यहीं पर ही एक लैबोरेटरी में वो जॉब लगा हुआ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला थाने में मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। खबरदार के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। यूपी में पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। अलीगढ़ में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को धर दबोचा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। अलीगढ़ पुलिस को सफलता, लुटेरों के गैंग पर बोला धावा, पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, शिकंजे में आए 2 लुटेरे। अलीगढ़ में माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी के कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले लुटेरों के गिरोह को काबू करने में पुलिस ने सफलता पाई है। पुलिस ने 3 दिन पहले हुई लूट की वारदात को भी सुलझा लिया है। लूट की वारदात को सुलझाने में क्राइम ब्रांच की टीम सर्विलांस का सहारा ले रही थी, और इसी दौरान पुलिस को यह सुराग मिला कि 3 दिन पहले लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश फिर से खतरनाक योजना बना रहे हैं। इसी को लेकर 3 थानों की पुलिस हुरसेना गांव के पास नाकेबंदी करने पहुंची। पुलिस को मिली सूचना सही निकली, बदमाश उसके घेरे में आ गए, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। देखिए, एक चंडौस में लूट की घटना हुई थी और हमारी टीम उसको फॉलो कर रही थी, क्राइम ब्रांच की टीम, सिटी की टीम, और बदमाशों के आने की सूचना हुई थी। माइक्रो फाइनेंस वालों से जो कलेक्शन करके छोटा छोटा पैसा ले आते हैं,
उनको टारगेट पे रखा गया, अगल बगल के जनपदों में भी और हमारे जनपद में भी। आज ये सूचना मिली थी और सूचना बिल्कुल सही थी, बदमाशों का पीछा किया। आप ये देख रहे हैं कि कितना सेफ है ये यहाँ से निकलना। मेन रोड से अगर आप इस पर आ जाएं तो इस पर ना कोई चेकिंग पॉइंट है और न ही यहाँ पे हम किसी तरह से उनको नोटिस कर सकते हैं। दोनों तरफ ये सरपट नरपट के पेड़ हैं और यहाँ से कोई भी निकल जाएगा। पुलिस ने भी बदमाशों पर पलटवार किया। बेहद मुश्किल इलाके में पुलिस के जवानों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दो बदमाशों को दबोचा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी भी हो गया था, लेकिन पुलिस के लिए अफसोस की बात ये रही कि कुल तीन बदमाशों में से एक पुलिस टीम को चकमा दे फरार हो गया। घेराबंदी की गई, बदमाशों ने फायर किया। एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरे को पकड़ लिया गया है और उसने पूरी घटना भी बताई है कि किस फाइनेंस कंपनी के किन लोगों को उन्होंने टारगेट कर रखा था, उसकी भी जानकारी की है। अभी एसपी सिटी ने तो ये पता लगा कि वो बिल्कुल कलेक्शन करने गए थे, कलेक्शन करके आ रहे थे। अच्छा कलेक्शन उनके पास 10-11 बजे तक हो जाता जब का टाइम इन्होंने चुना था। इस तरह से ये बदमाशों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है वो उससे इनके हौसले पस्त होंगे और जनता में जो कॉन्फिडेंस है उनका पुलिस पे, जो उनका भरोसा है पुलिस पे, वो दिनों दिन बढ़ेगा। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। एनकाउंटर के मामलों पर पूछे जाने पर एसएसपी का कहना था कि ये इलाके में छठा एनकाउंटर था जिनमें कई बदमाश पकड़े जा चुके हैं। ये हमारी छठवीं मुठभेड़ है जिनमें 5 मुठभेड़ों में बदमाश घायल हुए हैं और 1 मुठभेड़ में बदमाश मारा गया है। और इससे जो ये जनता में जो संदेश गया है, जनता पूरा भरोसा करती है और क्राइम के ग्राफ में बहुत ही जबरदस्त गिरावट आई है हमारे जनपद में। जान हथेली पर लेकर बदमाशों के छक्के छुड़ाने वाले पुलिस कर्मियों को नकद इनाम देने की घोषणा की गई है और जिस तरह एक के बाद एक एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं उससे साफ है कि जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो बदमाशों को किसी भी कीमत पर पकड़ने के मूड में नहीं है। खबरदार के लिए अलीगढ़ से अभिषेक माथुर की रिपोर्ट। तो आज बस इतना ही, लेकिन आप रहें होशियार, मैं कल फिर आऊंगा आपको गुनाहों से करने खबरदार।